फाइनली इस केक की बारी आ गई। कितने दिनों बाद खाऊंगी मैं। हालांकि ये वो हेल्थ वाला नहीं है, लेकिन मैं वीडियो में भी बोल रही थी कि सबा ने बहुत दिनों बाद कोई फरमाइश की है, क्योंकि ये लोग हमेशा आजकल झिझकते रहते हैं कि भाभी रूहान में बहुत उलझी रहती है तो हम तंग नहीं करेंगे। लेकिन उस दिन इसने रेसिपी पूछी तो मुझे डाउट आया, क्योंकि इसको बनाना बहुत पसंद है। और आपने ब्लॉग में देखा, हम लोग चाय हाउस गए, वहाँ पे सामने रखा हुआ तो भी ओवर बिक चुका, तो बहुत दिनों से ये वाला खाने का मन सही बना। भाभी हमेशा जो बनाती है ना, ये हम लोग मतलब फर्स्ट टाइम मैंने भाभी का हाथ ही खाया। नेक्स्ट टाइम आओगे तो इसमें चॉकलेट वाला वर्जन खिलाऊंगी। वो भी मैंने बनाया था पर वो कल पूरा शोएब के शूट पे चला गया। हमने नहीं किया था, मुझे ये शुरू से पसंद है। इसका फेवरेट ये है प्लेन वाला वॉलनट डाल के। अच्छा। चलो अभी रास्ते में। थैंक यू। हाँ लेके चले जाते हैं। यस, सबा चली गई है वापस और हम लोग आज बहुत दिनों बाद निकल गए हैं घूमने करने। हाँ फ्रेंड्स, अगर भाभी हो तो वो हो दीपिका जैसी और ननंद हो तो वो हो सबा जैसी। दोनों हो इतनी प्यार से रहती हैं और दोनों हो एक दूसरे की हर छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी करती हैं। जैसे कि अगर सबा कहीं पर भी बाहर जाती हैं, वो बहुत सारे जो है गिफ्ट रूहान, दीपिका और भाई सभी के लिए लेकर आती हैं। दीपिका की छोटी से छोटी हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। उसी तरह दीपिका भी सबा की ख्वाहिश पूरी करने में कोई कमी नहीं छोड़ती हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा कि किस तरह से सबा जो है वो मुंबई से मोदाहा वापस जा रही थी, क्योंकि सनी के कज़िन की शादी अटेंड करने के लिए। तो इस दौरान दीपिका ने उनका फेवरेट केक बनाकर उन्हें दिया, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उन्होंने जो है अपनी भाभी को थैंक्स भी बोला। और वो भाभी से ज़्यादा कुछ इस वजह से कहती भी नहीं है क्योंकि दीपिका ज़्यादातर रूहान में बिज़ी रहती हैं, इसलिए कोई भी घर वाला उनको किसी भी काम को नहीं कहता है। लेकिन दीपिका हर एक की ख्वाहिश का पूरा ध्यान रखती हैं। उन्हें पता है कि सबा जो है जा रही है और उनका फेवरेट केक जो है वो बनाना है, तो इस वजह से उन्होंने फेवरेट केक उनका बनाया और उन्हें बना कर दिया, जिससे सबा बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से जो है इंसान का दिल बढ़ जाता है। ऐसे ही सबा अगर कहीं पर भी जाती हैं तो वो अपनी भाभी के बिना कहे उनकी हर चीज़ जो है उनके सामने हाजिर करती हैं और अपने भतीजे रूहान के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट लाती हैं। ऐसा ही होना भी चाहिए ननंद और भाभी के रिश्ते में, कि हमें अपने जो है दोनों की छोटी से छोटी खुशियों का जो है ध्यान रखना चाहिए। इसी से जो है रिश्ता आगे बढ़ता है, नहीं तो रिश्ते में जो है बहुत सारी कमियां निकल आती हैं। फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इन दोनों के रिश्ते के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।